महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड को 189 शाखाएं थी, जिसमें से 126 शाखाएं बंद हो चुकी है तथा मात्र 63 शाखाएं ही अभी कार्यरत है, जबकि नांदेड़ जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। ऐसे में जिला मध्यवर्ती बैंक की 126 शाखाएं बंद होने के कारण जिले के किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों को बैंकिंग व्यवहार करने में भारी असुविधाएं हो रही है। साथ ही जनधन खाताधारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में सरकार से मैं पुरजोर मांग करता हूं कि नांदेड़ में राष्ट्रीयकृत बैंकों की लगभग 25 से 30 शाखाएं नहीं खोली जाए।